गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज फिर हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। उम्मीद है इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके संपर्क में जितने भी गरीब आदमी होंगे उनको भी फायदा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में इक्वलिटी का जो है प्रावधान है, ठीक है, सब आदमी को समान अधिकार दिया गया है। जिसके पास पैसा नहीं है तो सरकार कोऑपरेट करती है। उसी तरह से लॉ के क्षेत्र में अगर कोई गरीब आदमी है जिनकी आमद 1.5 लाख से कम है, या फिर SC ST महिला, या फिर किसी आपदा के शिकार व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पूर्णतः गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा विधि सेवा केंद्र की स्थापना प्रत्येक ज़िले में क्या की गई है। तो विधि सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीबों को कोऑपरेट करना, ठीक है। तो इसके प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसकी सबसे बड़ी प्रक्रिया ये है कि जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और उनके पास आय प्रमाण पत्र रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, SC ST में आता हो, बच्चा हो, महिला हो, या फिर जिनको कैद किया गया हो, उधर उसको कोऑपरेट करने वाला बाहर में कोई नहीं हो, ठीक है, या फिर प्रकृति आपदा से शिकार व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का सहायता कानून करती है। किस रूप में करती है, कैसे करती है, इस बात को हम लोग जानेंगे। जब कभी इस तरह की आवश्यकता हो तो बिना पैसा का आपका वकील होगा और वकील आपके केस लड़ेंगे। पैसा उनको गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी और उस केंद्र के द्वारा उनको निर्गत किया जाएगा। इसके प्रोसेस को अगर हम जानते हैं तो प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले अगर आप उनके ऑफिस को नहीं देखे हुए हैं तो वैसे तो जान लीजिए ये कोर्ट कैंपस के अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कोर्ट कैंपस में जाएं, किसी भी एडवोकेट से मिलें और उसको बोलें कि मुझे विधि सेवा केंद्र में जाना है। विधि सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको ये होगा, ठीक है, उसको ADR ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जाने के बाद सबसे पहले आप उनको बताइए अपनी सच्चाई कि ये केस है और केस हम लड़ना चाहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फॉर्म दिया जाए। निःशुल्क आपको फॉर्म दी जाएगी। फॉर्म लेके आप अपने वकील के, किसी भी वकील के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरे पास आपको फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से ये फॉर्म लाया हूँ और आप लड़ सकते हैं। तो हमको लगता है जिनके पास भी जाएंगे वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा सरकार के द्वारा उसको दूसरे रूप में दिया जाएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपका केस जिस भी कोर्ट में है, उस कोर्ट में वो पावरनामा पे जो है अपना सारा डिटेल भरेंगे वो भी, और अकाउंट नंबर भी भरेंगे, ठीक है, प्लस आपका भी सारा रिकॉर्ड उसमें भरा जाएगा और उसको उस कोर्ट में जमा करेंगे जहां आपका केस चल रहा है। फिर वहां से विधि सेवा केंद्र में निर्गत होकर उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, अन्यथा आपकी जो कानूनी मदद थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत ही सुंदर चीज़ है और गरीबों के लिए खास करके। तो जो भी आपके संपर्क में आए तो उनको ऐसा सहायता आप दिला सकते हैं। ये समाज सेवा का ही एक पार्ट होगा और इसमें कहीं ना कहीं समाज सेवा का ही सारा उद्देश्य छुपा हुआ है। हर आदमी को न्याय मिले इसके लिए सरकार इसकी व्यवस्थाएं की है। इसको अगर कानून के नज़र में देखा जाए तो जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, तो वो इसी उद्देश्य से हुई थी, केंद्र राज्य फिर जिला में हुआ। इनके अगर इनके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो इनका बहुत सारा काम है जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहला तो हम बता दिए कि इनका जो है फ्री निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। दूसरा, इनका बहुत सारा काम है जैसे कि निपटारा करना। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनको आपसी सहमति के द्वारा निपटारा किया जाता है, तो उसमें बैठ के सामंजस्य करने की प्रावधान की गई है। तो उसमें हम लोग जानेंगे जिला विधि सेवा केंद्र का क्या मुख्य काम होता है, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो तत्काल यहाँ तक, धन्यवाद।